हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे और आखिरी समय भी है फॉर्म भरने के लिए, बहुत कुछ समय आपको नहीं दिया गया है। तो देखिए, झारखंड 26,001 शिक्षक जो सहायक आचार्य की भर्ती आई है, इसमें जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में डाउट है, इस वीडियो में उस डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पेपर वन पेपर टू में कौन सी भाषा चुने, बीएड ऑप्शन प्रॉब्लम का क्या होगा और क्या डीएलएड वाले 1-5 और 6-2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय द वे, पेपर वन आप सभी लोग हिंदी रखिए क्योंकि पैसेज आएगा और हिंदी सब लोगों ने पढ़ रखी होगी और उसमें आप आराम से जो है 33% स्कोर कर जाओगे। और ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो पेपर 2, 3, 4 का कोई जेन्युइन वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में पेपर वन को क्वालिफाई करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू में आप जो है, जिन लोगों का हिंदी सब्जेक्ट पे कमांड है तो हिंदी के क्वेश्चन कहानियों को जरूर पढ़ लें, वहां से आप पेपर टू में हिंदी भी रख सकते हो। एक डाउट था ना कि क्या दोनों पेपर एक ही रख सकते हैं, क्या बिल्कुल रख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन दोनों का सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट है। पेपर वन का सिलेबस डिफरेंट है और पेपर टू का सिलेबस डिफरेंट है, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे आपको मैं बता दूं, क्लास 1-5 के लिए मैंने अलग से सिलेबस बना रखा है, 6-8 के लिए जो है एसएसटी और साइंस वाले के लिए अलग अलग से जो है सब्जेक्ट बना रखा, सिलेबस जो है मैंने बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना रह जाए। अब बात करते हैं पेपर टू में अगर कोई खुट्ठा रखना चाहता है, नागपुरी, कुरमाली, संथाली, तो उसे रख सकता है। आपके सब्जेक्ट यानी कि रीजनल लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वहां पे जा सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड की बात, बीएड ऑप्शनल प्रॉब्लम का क्या करें, इसके बारे में भी आपको जो है एक इनसाइड में देने की कोशिश करूंगा और आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जेएसएससी के जो ऑफिस गए थे मिलने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया गया, वहां से कोई भी जो है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन समय कम है तो ऐसे में आप क्या भरकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 28 को आपको जो है एडिट का भी ऑप्शन मिलने वाला है, तो वहां भी आप जो है एडिट कर सकते हो। फिलहाल जेएसएससी की ओर से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग दिस तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपका जो है ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या डीएलएड वाले 1-5 और 6-8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे, अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे बोथ का ऑप्शन आता है और ऐसे में आप जो है बोथ के साथ आगे बढ़ जाते हो, लेकिन डीएलएड वाले 1-5 या 6-8 के लिए एज ऑफ नाउ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो बेटर होगा। और मुझे लग रहा है कि डीएलएड वाले 1-5 के लिए जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनके पास जो है 1-5 डीएलएड बहुत कम संख्या में लोगों ने कर रखा है, बीएड वाले के साथ आपका कंपटीशन भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, जिससे आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। आई रिपीट, ये रिस्की है। आप क्या करो, अलग अलग मोबाइल नंबर से जो है आप दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 1-5 के लिए अलग, 6-8 के लिए अलग से। लेकिन फिर से मैं दोहरा दूं, इसमें रिस्क है और अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली आप जो है इस पे जो है एक्ट करोगे। अब बात करते हैं बीएड ऑप्शनल प्रॉब्लम का क्या करें। तो देखिए, बीएड ऑप्शनल प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहां से आप देखिए, यहां से आपको दिख रहा होगा बोकारो, दुमका, गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज। तो देखिए, यहां पे जो सिलेक्शन है ना, आप कौन सा सिलेक्शन करोगे, तो सीधा सीधा बात है, सिलेक्शन उसी जिले का करें जहां से आप होम डिस्ट्रिक्ट से आते हो, भले सीट कम हो अधिक हो फर्क नहीं पड़ता है, आप 24 डिस्ट्रिक्ट में जो है कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी आपके नंबर के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। जॉब करने के बाद लोग ना अपने घर की ओर आना चाहते हैं, तो इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट को आप चूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, होम डिस्ट्रिक्ट के बाद एक और डाउट आता है आप लोगों का कि सेकेंड पे कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज करें। तो देखिए, वहां पे सेकेंड वाले ऑप्शन में आप किसके साथ जाओगे, सेकेंड में आपके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाइए, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी कि आपके आस पड़ोस में जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ आप जो है आगे बढ़ोगे। ये बातें क्लियर होगी। अब देखिए, ये जो जिले वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब यहां से देखो आप, अब ये डाउट जो है ना बहुत ही पॉपुलर डाउट है कि बीएड वाले ऑप्शन के जगह पे क्या चूज करें। तो मैं बताऊं, इन सारे ऑप्शन में से ये तो चूज नहीं करना है, बीएड स्पेशल आपका एजुकेशन है नहीं। यहां से देखोगे ये जो है
ये डिप्लोमा वाले के लिए है, यहाँ 4 साल का इंटीग्रेशन वाला कोर्स की बात कर रहा है, इसे भी नहीं चूज करोगे आप। यहाँ से देखिए 1 ईयर वाली बात है, यहाँ पे यहाँ देखो 1 ईयर आपको दिख रहा होगा, ये भी आप चूज नहीं कर सकते हो। अब बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट फॉर द कैंडिडेट फॉर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ये भी डीएलएड है, ये भी खत्म हो गया। तो बचा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखिए +2 अगर आपने पास कर रखा है, और को आप ध्यान से पढ़ना, हायर सेकेंडरी और फिर से यहां पे रखा हुआ इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रेजुएट एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड ट्रेंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहां से जो है इसको अगर आप देखो, एक्चुअली डाउट तो है, यहां भी बहुत सारे डाउट है, लेकिन आप इन सभी ऑप्शन में से सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो कल परसों तक इंतजार कर सकते हैं कि जीएसएससी की ओर से कोई जो है एक स्टेटमेंट जारी हो, तो ही बात आगे बढ़े। तो इस पे जो है बात अभी बनी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो ऐसे में अगर आपको जल्दी भरना है और भरना ही है तो ऑप्शन 1 के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ये जो ऑप्शन है यहां से आप फिर से एक बार देख लीजिए, इस ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना था। बाय द वे आपका जो भी डाउट होना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, ताकि आपके डाउट्स को जो है अगले वाले वीडियोज में मैं कवर करा सकूं, ताकि चीजों को हम लोग आगे जो है लेकर चल सके। एक और बात, एक जो आपका पेपर 3 है, पेपर 3 जो 100 नंबर का है ना, पेपर 3, वहां पे मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी है, जाकर देख लीजिए। और जिनको करंट अफेयर्स वाली वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स वाली वीडियो चाहिए, CA जरूर लिखिएगा नीचे। मैं आज रात आपको जो है दिसंबर वाली वीडियो देने वाला हूं, पूरे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और एक मैराथन भी लाएंगे बट एग्जाम के नजदीक, ताकि सभी लोग देख पाए, समझ पाए, तो मैराथन वाली क्लास भी आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इन चीजों को देख लेना है। और इसके अलावा आप जो है अगर मैथ्स की छोटी छोटी क्लासेस देखना चाहते हो, मैथ्स के ऊपर जो है छोटे छोटे क्लासेस को देखना चाहते हो, तो उस पर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं, और मैथ्स की भी क्लासेस आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज फॉर्म भर लें, आखिरी समय का इंतजार करोगे, आपको बहुत सारे समस्याओं से 2-4 होना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर जरूर करा लें, जो प्रोसेस नंबर 1 है, जिसकी डेट जो है 23 तक रखी गई है, परसों तक डेट है, लेकिन आखिरी वक्त तक जो रहता है उसे जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, फटाफट जाके रजिस्टर करा लें, और जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि किसी भी तरह की समस्या से आपको 2-4 होने की जरूरत ना पड़े। बाय द वे आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो वो नीचे जरूर लिखिएगा। सपोज कर लो आप दुमका से देख रहे हो, गोड्डा से देख रहे हो, रांची से देख रहे हो, तो नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें, ताकि मुझे भी पता चल सके ये वीडियो झारखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट तक जो है फैली है, पहुंची है। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उन तक पहुंचाएं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो फॉर्म भरने में गलती ना करें और उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।